Hello guys, and welcome back to another video from my YouTube channel, that is Vipin Sharma Biology Tutorials. And in today's video we are going to talk about BT cotton. Last lecture mein we have talked about different kind of things such as BT, that is Bacillus thuringiensis, which is a kind of toxin which is isolated from bacteria and it is then incorporated into plant, and it give the plant resistant toward different kind of insects as well as pest. सो एक पर्टिकुलर बीटी नाम का टॉक्सिन है विच इज़ प्रेजेंट इन बैक्टीरिया. हमने उसे बैक्टीरिया से निकाला एंड वी हैव सेंड दैट पर्टिकुलर टॉक्सिन इन टू द प्लांट सेल. उसे प्लांट सेल में भेजने के बाद द प्लांट सेल इज नाउ रेजिस्टेंट टूअर्ड इंसेक्ट एज वेल एज फ्रॉम पेस्ट. ओके, दैट्स वाई बीटी कॉटन इज ऑफ वेरी हाई इंपॉर्टेंस बिकॉज नाउ इट इज रेजिस्टेंट टूअर्ड डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स. So in BT cotton, BT stands for Bacillus thuringiensis, which is a kind of toxin that is present in bacteria and it is isolated from bacteria and integrated with plant cell. इसे बैक्टीरिया से निकाल के प्लांट सेल में भेजा गया जिससे कि उसे हम जेनेटिकली मोडिफाइड बना सकें. और पहले जो चीज़ें थी विच आर अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ कॉटन या फिर विच आर कॉजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज इन कॉटन या फिर जो उसे ईट कर देते थे जो इंसेक्ट, अब उन इंसेक्ट से प्रोटेक्शन मिल चुकी है. नाउ द BT cotton इज insect resistant as well as pest resistant. How does this BT toxin work? Okay, so that particular BT produce protein crystal during particular phase of their growth. Okay, they produce some sort of protein crystals. Kuch protein ke crystals wo banate hain apni growth ke dauran which are insecticidal or toxic. It means that whenever some insect will act upon the cotton, to ye jo toxin hai, ye jo particular टॉक्सिन है, दैट प्रोटीन क्रिस्टल विल एंटर इन टू द इंसेक्ट्स बॉडी एंड इट विल किल इट. लेकिन दैट पर्टिकुलर टॉक्सिन इज प्रेजेंट इन प्लांट एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द बैसिलस थुरिंजियंसिस, देन वाई डिडंट इट किल्ड द बैसिलस इट्सेल्फ. ये पर्टिकुलर टॉक्सिन बैसिलस के अंदर ही प्रेजेंट था. ओके, दिस इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बैसिलस इट्सेल्फ, देन वाई डिडंट इट हैव किल्ड दैट बैसिलस. उस बैसिलस पे उसने अटैक क्यों नहीं किया? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज दिस पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन इज इनएक्टिवेटेड. ओके, दिस इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन एन इनएक्टिव फॉर्म एंड इट्स नेम इज प्रोटॉक्सिन. प्रो मींस प्रिमिटिव एंड टॉक्सिन मींस द टॉक्सिक सब्सटेंस, मींस इट इज नाउ इट इज नॉट इन एक्टिव स्टेट. इट कैन नॉट किल अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन द प्रो स्टेट. ओके, इट नीड टू बी एक्टिवेटेड. And when it is going to be activated, when the insect will ingest protoxin. The protoxin is present in BT. Okay, and now the insect have ingested it. Now the alkaline pH of gut of insect will activate the toxin. That's why the toxin is not activated in the bacillus. Kyunki bacillus ka jo environment tha wo kafi alag tha. Lekin jab ye particular toxin जाएगा इनसाइड द बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसेक्ट, देन इट विल फाउंड एन अल्कलाइन पीएच और वी कैन से दैट बेसिक पीएच एंड इट विल गेट एक्टिवेटेड. नाउ द टॉक्सिन बाइंड विद द सर्फेस ऑफ मिडगट. मिडगट मीन्स इफ दिस इज द गट और एलिमेंट्री कैनाल, देन द मिडल पोर्शन ऑफ इट, हेयर द टॉक्सिन विल बाइंड. ओके, into the epithelial cells, because the gut is surrounded with epithelial cell, because epithelial cells provide the outer covering. In this particular epithelial it will create pores. Okay, various kind of pores. So kya hoga? Sabse pehle let's take this particular thing into sequence. The toxin will not kill bacillus because it is present in protoxin form. Okay, and when will this protoxin will be activated? When insect will ingest it. जैसे ही इंसेक्ट इंजेस्ट करेगा इस प्रोटॉक्सिन को, तो ये प्रोटॉक्सिन गट के अल्कलाइन पीएच में आते ही एक्टिवेट हो जाएगा. ओके, एंड दैट पर्टिकुलर टॉक्सिन विल बाइंड टू द मिड गट एपिथेलियल सेल्स. मिड गट के एपिथेलियल सेल से वो बाइंड कर जाएगा एंड इट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ पोर्स इन इट. ओके, एंड ड्यू टू दैट पोर्स द सेल्स विल स्वेल अप एंड लाइस. लाइस मीन्स दे विल बर्स्ट. Due to the creation of pores, the cell will increase in size. This is the initial size, and then they will swell up, and hence they will burst. And you know, their content will be now out of the cell. It means ki cell ki death ho jayegi, or ultimately insect ki bhi death ho jayegi, because it has lysed all the cells of gut.
and gut is very important for each and everything in physiology. Okay, gut is the main part. So obviously jab gut ka koi bhi cell nahi bachega, then the insect will ultimately die. This is the particular thing or the particular mechanism by which a particular insect is killed by the effect of BT toxin. Let's take this particular mechanism in a little bit detail. This is the lining of gut. This is the lining of gut. Okay, and this is the protoxin. This protoxin is now inserted into the body of insect. Okay, so body mein chala gaya hai ye particular protoxin, and this is the lining. This is the gut lining. Yahan par pahunch chuka hai. This is the mid gut. Okay, now the protoxin is activated and it is known as now endotoxin. And this endotoxin will create some kind of pores in the mid guts wall or in the mid guts epithelial layer. Okay, that's why the cell in the guts rupture or unki jo hai rupturing ho jayegi, which ultimately lead to the death of insect. Okay, so protoxin will enter into the body of insect. Jo alkaline pH paate hi kya ho jayega, endotoxin mein convert ho jayega, which is activated form of that toxin, that will create pores in the mid gut of the epithelial layer. That's why the cell will rupture and ultimately death of the insect will occur. Let's take the diagrammatical view. Here this red things present are the toxin. Okay, all the things present in this particular diagram are blue. Okay, this is the normal physiological state of that particular insect. But now here you are looking various red cells. Okay, these are the toxins. These toxins will now create holes in the wall. Now these red cells are present in the wall. You can look over here. That's why they will create pores and ultimately it will lead to the death of that insect. This is quite important. This is the basic mechanism by which it works. The BT toxin works. Okay, so BT toxin kis kis ko kill karega? There are different kind of organisms on which the BT toxin attacks. So there is a trick for that. The trick is not that much efficient, but if you will revise this particular stanza from that trick, to obviously aapko thode time mein yaad ho jayega. Maine aise hi yaad kiye the. So there are dipterans. Very first class is dipterans. So dipterans mein kya hoga? Dipterans mein ek word aata hai, that is dip. And dip simply means inside water. आप लोग कुछ भी करोगे dip, for example this is the cup of water, आप लोग इसमें कुछ भी dip करोगे तो obviously यहाँ पर किसी liquid की बात हो रही होगी. Okay, so this is dip. जहाँ भी आपको diptera का dip दिख जाएगा, इसका मतलब water से related कुछ होगा. And flies and mosquito are, you know, quite abundant near water. If this is water and these are quite abundance of flies and mosquito near water bodies. तो flies और mosquito आप easily याद कर सकते हैं by a simple trick, and these are dipterans because dip simply means nearby water and flies and mosquito are present near water. Okay, the second thing is coleopterans. Okay, coleopterans, and the example is beetles. So we can call it BC, which are the simultaneous letter in simultaneous alphabets. Okay, so BC ko hum kuch aise padhenge, B double E and simple C. C means coleopterans and B simply means beetles. Okay, this is quite effective way to learn. Kyunki BC ko hum normally aisa nahi padhenge, we will call it B double E, jisse ki hume pata lag jaye this is beetle. Because in the very next example we are going to learn budworms, which is also starting from B. So in this particular example we are calling it B double E, so that there would be no confusion between budworm and beetles. So we will call it BC. Okay, so we have learned about two different categories. One is dipterans. Dipterans simply means dip. Dip means nearby water, or water ke paas kya milega? Flies and mosquitoes. The second one is coleopterans, whose example is beetle. We can call it BC, where B double E simply means beetle and C means coleopterans themselves. Okay, and the last category is quite important. The trick to memorize it is ki ek ladka hai and he is playing game in his laptop, so we will call it laptop. The spelling is not LAP, it is LEP. Okay, laptop, and he is playing a game. What is the name of that game? Bud Army.
बर्ड आर्मी इज़ अ गेम, जैसे काउंटर स्ट्राइक खेलते हैं तो वैसे ही कोई आर्मी और बर्ड्स के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है उस पर्टिकुलर गेम में. लेट अस अज्यूम, सो ऑन लैपटॉप वी आर प्लेइंग बर्ड आर्मी, वेयर LEP सिंपली मीन्स लेपिडॉप्टेरन, TO सिंपली मीन्स टोबैको विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लेपिडॉप्टेरन, बर्ड सिंपली मीन्स बर्ड वॉर्म, आर्मी सिंपली मीन्स आर्मी वॉर्म. सो ये वो सारी चीज़ें हैं ऑन विच द BT टॉक्सिन विल अटैक. ओके, ऑन वट डिफरेंट थिंग्स द BT टॉक्सिन विल अटैक? इट विल अटैक ऑन डिप्टेरेंस, DIP सिंपली मीन्स नियर वाटर, विच सिंपली मीन्स फ्लाइज एंड मॉस्किटोज. देन कोलियोप्टेरेंस वोज एग्जाम्पल इज बीटल, वी कैन मेमोराइज इट विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक, दैट इज BC. हेयर इज बीटल एंड कोलियोप्टेरेंस. एंड नाउ द फाइनल थिंग दैट इज लेपिडॉप्टेरेंस. द सिंपल ट्रिक टू मेमोराइज दम इज लैपटॉप बर्ड आर्मी. लैप सिंपली मीन्स लेपिडॉप्टेरेंस, टॉप सिंपली मीन्स टोबैको, बर्ड सिंपली मीन्स बर्ड वॉर्म, आर्मी सिंपली मीन्स आर्मी वॉर्म. सो दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट द BT कॉटन और BT टॉक्सिन के बारे में, मोस्टली कि वो कैसे क्या क्या कर सकता है और किन किन ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करता है एंड वट इज द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ BT टॉक्सिन. दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस इज आस्क्ड सेवरल टाइम्स इन जिपमर एज वेल एज इन नीट. सो यू मस्ट मेमोराइज दिस पर्टिकुलर टॉपिक क्वाइट केयरफुली. और ये जो एंड में एग्जाम्पल्स थे इनको आप अगर अपनी पर्सनल ट्रिक बनाकर याद करते हैं देन इट्स क्वाइट फाइन. एंड इफ यू डजंट हैव सम ट्रिक देन यू कैन मेमोराइज देम बाय दिस सिंपल आइडिया. और आप लोग बार बार ऐसे याद करोगे तो आपके दिमाग में वो सेटल हो जाएगा. So I hope that this video is quite beneficial for you. Thank you for watching. Like this video, subscribe to my channel and share this video among your friends. And there is a trick to learn cryogens. The cryogens are also given in your book. And I have already made a video on tricks to memorize cryogens. So you can refer that video on my channel. I will post the link of that particular video in the pinned comment of this video. You can check it out. Thank you so much and stay tuned for the upcoming videos on applications of biotechnology.